An Academy. Let's crack it. 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 सो वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अन अकेडमी एंड इंजीनियर्स की पाठशाला। आई होप अभी ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर चल रहा होगा। दिस इज रंजन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक क्लास लेके आपके साथ फिर से एक बार इस सेशन में। आज का टॉपिक है हमारा CDR एंड VDR, और आप सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे कनेक्टेड हैं सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अमन, चारू, सूरज, प्रभाकर, ऑफिशियल बॉय आदित्य, लव ग्रीन, आई एम गेमिंग, है ना, साहिल, आप सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन दिस सेशन। सो आई होप कि एकदम मस्त फुल ऑन एनर्जी लेवल के साथ आप लोग एकदम चार्ज्ड अप होंगे, एकदम रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तबीयत एकदम बढ़िया है ना साहिल आज? ठीक है, चलिए नाइस है फिर तो। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, CDR एंड VDR का ये टॉपिक है, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल का ये टॉपिक है जिसको आज हमको कवर अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करें। उससे पहले
कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक से एकदम जल्दी से आपको फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ उस टॉपिक को, और फिर उसके बाद इस टॉपिक पर वापस लेके आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट ओम्स लॉ, है ना। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि v प्रोपोर्शनल टू i और i प्रोपोर्शनल टू v का रिलेशन, v प्रोपोर्शनल टू i का सीन भी देखा था और i प्रोपोर्शनल टू v का सीन भी हम लोगों ने समझा था। तो पिछली क्लास में साथ ही साथ एक और चीज़ हमको देखना था कि नेटवर्क के बेसिक्स जो होते हैं, नेटवर्क टर्म जो है बेसिक्स, क्योंकि अब आप लोग ग्रेजुअली सर्किट सॉल्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को पहले से पता होनी चाहिए। तो वही आज के क्लास में पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपको CDR एंड VDR पर लेके चलूंगा मैं तुरंत, ठीक है, है ना। साहिल कल क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोग, कल क्वेश्चन नहीं किए थे, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये टॉपिक, है ना। चारू ने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आज इसको आराम से एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क बेसिक्स पे चलते हैं और कुछ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज, जैसे ही आप लोग KVL KCL सॉल्व करने पे पहुंच जाएंगे या दोनों में से कोई एक भी जैसे ही आप लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, मैं आपको वापस से यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पर ले आऊंगा, मजा आएगा उसके बाद। वहां तक ही फन जो है अभी रुका हुआ है। जैसे ही आप लोग KVL बनाना शुरू कर देंगे तुरंत यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा मैं कि अब बताओ ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, है ना। तो तब तक के लिए बस रुके हुए हैं, इसलिए अभी आपको मैं कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, पहले टॉपिक फटाफट से करवा रहा हूँ। नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहला जो टर्म है दैट इज ब्रांच। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि एक सर्किट के अंदर से कुछ बेसिक टर्म्स को कैसे पहचानना है, जैसे ब्रांच हो गया, नोड हो गया, जंक्शन, मैश, लूप, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि आगे चल के जब आप लॉज पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे तो इन्हीं टर्म्स को आपको पहचानना पड़ेगा। इसी के ऊपर, इसी के हिसाब से पूरी वर्डिंग्स लिखी गई होंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद, कल की क्लास में एबसेंट थे सत्य विजय, आज का प्रेजेंट लग गया आपका, ठीक है आदित्य, यस डियर, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से एकदम। तो चलिए ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं ब्रांच, और कुछ भी मैं लिखूं उससे पहले सर्किट डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिना सर्किट डायग्राम के ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं, तो फिर तो यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा सर्किट, और नॉर्मली मैं अपने क्लासेस में ये जरूर से करता हूँ, जरूर से पूछता हूँ आपसे, फटाफट से पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट है 2 ओम का, एक रजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, एक और रजिस्टर है 3 ओम्स का, एक रजिस्टर, और यहाँ पर एक काम करते हैं एक सोर्स बना लेते हैं, लेट इट बी अ करंट सोर्स, ठीक है, इसको एक करंट सोर्स रहने देते हैं। तो 3 ओम का एक रजिस्टर है और ये 2 एम्पियर की सोर्स है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ट्रेस कर लेता हूँ, और इनका नाम लिख लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी, ई, एफ। अब जितना भी टर्म हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के अंदर आपको लोकेट करने को मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, इसी के अंदर हम लोकेट करने वाले हैं। सो अब जरा इसमें देख के बताइएगा कितने ब्रांचेस आपको दिखते हैं सर्किट के अंदर, देखते हैं कितने लोग सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि इसमें कितने ब्रांचेस आपको दिखाई देते हैं इन दिस गिवन सर्किट, हाउ मेनी ब्रांचेस डू यू सी, कितने ब्रांचेस दिख रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे पहले। 3 ब्रांचेस साहिल ने लिखा हुआ है। क्या होता है कि हम सर्किट पढ़ने पहले पहुंच जाते हैं लेकिन कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती है जो हमको क्लियर ही नहीं होती, और वो अगर नहीं क्लियर है तो एक्चुअल में आप सर्किट पे अप्रोच कैसे करना है वो कैसे जानोगे, है ना। मतलब ऐसा सपोज कर लो कि हम ऐसे युद्ध लड़ने जा रहे हैं और राजा ने बोला कि भाई हल्दी घाटी में पहुंचना है, ठीक है, और आप किसी और घाटी में पहुंच के खड़े हो गए लड़ाई करने के लिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं उसी घाटी में जाना है जहां लड़ना है, ठीक है। तो पहले पता तो रहे कि कौन सी चीज का मतलब क्या है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच प्रेजेंट इन दिस सर्किट, लेट्स सी। तो आई एम गेमिंग का आंसर है 3, गुरुजी का आंसर है 3, ब्रजमोहन का आंसर है 1 ब्रांच, सागर का आंसर है 5, और सूर्यकांत ने लिखा है 3 ब्रांच, 2 मैश भी लिखा हुआ है, ओके, सगुन ने लिखा है 4, 1, 6, देखो कितने सारे आंसर्स आ रहे हैं, है ना, देख लो कितने सारे आंसर्स आ रहे हैं, ये वो देख रहा है, विनोद वाली बात हो गई यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, लेट्स सी। सो कितने ब्रांचेस हैं यहाँ पर, कितने ब्रांचेस हैं,
चलो ब्रांच का डेफिनेशन से शायद कुछ आइडिया लग जाए। इट इज अ पोर्शन ऑफ सर्किट, इट इज अ पोर्शन ऑफ सर्किट और अ नेटवर्क हैविंग वन सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड इन इट्स टर्मिनल। मतलब सर्किट का एक ऐसा हिस्सा जो एट ए टाइम एक ही सर्किट एलिमेंट को रखता हो कनेक्टेड, एक सर्किट एलिमेंट एट अ टाइम, दैट विल बी नोन एज अ ब्रांच, वन सर्किट एलिमेंट। जैसे कि ए से बी के बीच में कितनी ब्रांच है, एक, वन ब्रांच इज देयर। ए से एफ के बीच में कितनी ब्रांच है, एक यहां पर भी है। चलो काउंट कर लें क्या, यहीं पे मैं मार्क करते जाता हूं, ठीक है, आसान रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि ए से एफ के बीच में यहां पर एक ब्रांच है, लेट इट बी ब्रांच बी वन। फिर ए से बी के बीच में भी एक ब्रांच है सर, क्योंकि आप बोलोगे ना 5 वोल्ट वाली ब्रांच जो है 2 ओम वाली ब्रांच के साथ सर जुड़ी हुई है ए पॉइंट पे। कैसे आप बोलोगे, आप बोलोगे सर 5 वोल्ट वाली ब्रांच 2 ओम वाले रजिस्टर की ब्रांच से कनेक्टेड है एट पॉइंट ए, सो दीज टू आर टू डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक, 3 ओम वाली भी ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच नंबर बी थ्री हो गया। ये करंट सोर्स है, दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच बी फोर। ये 3 ओम का रजिस्टर, ये भी एक ब्रांच फॉर्म कर रहा है बी फाइव। और इधर कुछ है क्या, एफ ई डी, इनके बीच में कुछ है? तो सर कनेक्शन तो है लेकिन कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कुछ नहीं है सर, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये सब एक ही पॉइंट से आके जुड़ रहे हैं। इसका मतलब इस सर्किट को सर आप रीड्रॉ कर दो जरा, तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए इक्वल पोटेंशियल पे है ये सभी के सभी पॉइंट्स, बोलने का मतलब ये है कि ये सब एक ही जगह पे आके जुड़े हुए हैं, फालतू में इसको 3 नाम दे के रखा है सर आपने, है ना। ये एफ ई और डी एक ही पॉइंट पर आके जुड़ने वाले सेगमेंट्स हैं, ये कोई अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए, आपको जो है भटकाने के लिए इसको 3 अलग अलग पॉइंट जैसा दिखाया हुआ है। ये है सब एक ही इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है। तो कितने ब्रांच दिख रहे हैं हमको, टोटल 4, 4 ब्रांचेस दिखते हैं यहां पे, ठीक है। हाँ अभी नोड पे चलेंगे, सगुन ने लिखा 101% 5 ही है, एक 4 नहीं सॉरी 5 है, 5, यस बी फाइव भी लिखा ना, मैं इसको देख के बी फोर बोल रहा था, बी फाइव 5 ब्रांचेस है, सॉरी टोटल 5 ब्रांचेस आर देयर, है ना, टोटल 5 ब्रांचेस इन दिस सर्किट। अच्छा एक चीज दिख रहा है, ये नंबर ऑफ ब्रांचेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर है अगर आप काउंट करोगे तो। अगर आप इसको काउंट करोगे आप बोलोगे अच्छा एक 2 ओम का रजिस्टर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, एलिमेंट्स को ही सीधे काउंट कर लेते तो नंबर ऑफ ब्रांच मिल जाती। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, यहां कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, क्या ट्विस्ट आएगा, है ना, क्या ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट ये है कि अगर चलो इसके आगे मैं और सर्किट को बढ़ा देता हूं, अब अगर सर्किट में ऐसा बना दूं तो कितनी ब्रांच होगी मुझे बताएगा, ध्यान से देख के बताएगा, ठीक है। सी के बाद में क्या कर दिया, इसको पॉइंट एम बोल देता हूं मैं, सी एम हो गया ये, ये 2 ओम है, 6 ओम है, एम के बाद एन भी कर लेते हैं। अब जरा मुझको बताइए कि सी एम एन डी के बीच में कितनी ब्रांच दिखी आपको, जल्दी से बताइएगा। अब ये जो इतना पोर्शन मैंने ट्रेस कर लिया, ये नया पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक कितनी ब्रांच और दिखती है, है ना, यहां पे एक ट्विस्ट है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, कितनी ब्रांच है, सिर्फ इतने का बताइएगा, सिर्फ इतने पोर्शन का, 1 या 2, आमिर खान ने लिखा है 2, ब्रजमोहन ने लिखा है 1, ब्लॉग्स एंड फूड ने लिखा है 1, तन्मय ने लिखा है 1, राहुल 3, सिर्फ इतना बताएगा, ठीक है। ये इस तरफ की सर्किट के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप इस सर्किट को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, मैं राइट हैंड साइड की सर्किट की बात कर रहा हूँ, इस तरफ की सर्किट, यहाँ बताइए कितनी ब्रांच दिख रही है आपको सी से लेके डी तक। सी से लेके डी तक अगर आपको लगता है कि सर एलिमेंट्स को काउंट करके बोलेंगे तो 2 हो जाएगा, ये थ्योरी यहाँ पे गलत हो जाती है। ये थ्योरी कहाँ पे गलत होती है, इसीलिए यही बताने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया, एक्सटेंड किया है। जब सेम टाइप का एलिमेंट है तो आप इसको डायरेक्टली सम करके आप बोलोगे 6 और 2 सर सीरीज में है, बोथ को आप कंबाइन कर दोगे, इधर दिस साइड और दिस साइड किसी भी एक तरफ आप इसको कंबाइन कर लीजिए, एंड यू कैन से कि सर ये तो 8 ओम का एक रजिस्टर है, दिस इज 1 सिंगल रजिस्टर ऑफ 8 ओम बस, और ऐसी है सर्किट, तो एक ही ब्रांच है, सेम टाइप के एलिमेंट है, आप उसको क्लब कर सकते हो, उसको क्लब करके आप एक सिंगल एलिमेंट जरूर से बना सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
तो कितनी ब्रांचेस हो गई? एक। पूजा ने लिखा कि सर कल का वीडियो प्राइवेट क्यों कर दिया? नहीं है यार, प्राइवेट कहाँ प्राइवेट है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं अभी सर्च नहीं करने जाऊंगा, अदरवाइज बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। बट मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट हुआ है, सब वीडियोस अवेलेबल है ना, क्यों प्राइवेट होगा? लाइव के सेगमेंट में जाके देखिएगा, हो सकता है आप वीडियोस में जाके देख रहे होंगे इसलिए नहीं दिख रहा होगा। लाइव में जाके देखिएगा, चैनल ओपन कीजिए इंजीनियर्स की पाठशाला, उसमें लाइव वाले कॉलम पे जाइए, उसमें आप देखिए, जरूर से दिखेगा आपको। सीक्वेंस नंबर के हिसाब से देख लीजिएगा, कल नेटवर्क के बेसिक्स और ओम्स लॉ कल का टॉपिक था, आपको दिख जाएगा इसके अंदर, है ना? है ना, ये मतलब सोर्स होगा तो अलग मानेंगे, रजिस्टर होगा तो सीरीज ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। शोभित दोबारा से एक बार देखिएगा, है ना? सगुन प्राइवेट नहीं है, ये प्राइवेट क्यों होगा यार, आप ही लोग के लिए तो है ये नेटवर्क, मतलब ये पूरा ये जो लेक्चर चल रहे हैं। तो दोबारा से एक बार फिर से देखिए, तो नंबर ऑफ ब्रांच कैसे आप बताएंगे? डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट जो आपस में जुड़े हुए हैं, हर एक सर्किट का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा सेगमेंट जिसके अंदर एट अ टाइम एक ही सर्किट कंपोनेंट होना चाहिए या एक ही प्रकार का एक सिंगल सर्किट एलिमेंट दिखना चाहिए। जैसे ए से बी के बीच में 5 वोल्ट का एक सिंगल बैटरी लगा हुआ है, एक सिंगल सेल लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये एक ब्रांच है। ए से एफ के बीच में 1 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, सिंगल ब्रांच है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस तरफ आया, सी से डी की तरफ आया, तो मुझे एक दिखा, मुझे क्या दिखा यहाँ पे कि सर यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ 6 ओम का रजिस्टर है। तो मैंने देखा कि सी से एम 2 ओम और एम से एन 6 ओम सीरीज होने की वजह से दोनों के थ्रू सेम करंट जा रही है, और ये दोनों के दोनों रजिस्टर हैं जो कि दोनों मिलके 8 ओम का रेजिस्टेंस जो है क्रिएट कर रहे हैं सी से डी के बीच में। तो ये एन एम ऐसे अलग अलग पॉइंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप दोनों को क्लब करके एक सिंगल एलिमेंट बना सकते हो, बिकॉज दे आर शेयरिंग सेम करंट, बिकॉज दे आर शेयरिंग सेम करंट। इसके अलावा ये सेम एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, ये रजिस्टर ही है, दोनों की टेंडेंसी, दोनों की वर्किंग सेम है, आप क्लब करके उसको एक सिंगल ब्रांच बना सकते हो। क्या होता अगर 2 ओम का ये रहता और इसके साथ एक इंडक्टर लगा होता या कैपेसिटर लगा होता, तो नहीं क्लब कर सकते हैं, तब फिर इट इज अ डिफरेंट एलिमेंट, यहां एक अलग ब्रांच फॉर्म हो जाती है उस केस में, ठीक है। अभी क्लियर है ब्रांच का मीनिंग? अभी आएंगे ना जंक्शन वगैरह सब पे आएंगे, ठीक है। आदित्य एक बार बताइए, तो अभी क्लियर है ना कि ब्रांच हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलिए अब नेक्स्ट, अगले सर्किट पे चलते हैं, बाकी के पॉइंट्स बताता हूं आपको। एक नया सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, अगले पॉइंट पर लेके चलता हूं। नेटवर्क के बारे में जब हम लोग पढ़े तो ये सब पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे बी माइनस एन प्लस वन वाला, तो वो फॉर्मूला तभी आप सही से अप्लाई कर पाएंगे जब आपको बी कितना है, एन कितना है, ये सब पता रहेगा, एल कितना है ना, लूप कितना बन रहा है, ब्रांच कितना है, नोड कितना है। जब ये सही से पहचानना आएगा ना, तभी उस फॉर्मूले को अच्छे से यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूला गलत नहीं है, एक्चुअल में हम जानते नहीं होंगे, तो इस वजह से हम गलत वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। चलिए फिर से एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे वही सेम सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर एक करंट सोर्स, ठीक है। तो 3 4 चीजें अभी हम लोग बस सीख लेते हैं जल्दी जल्दी से, उतने में नेटवर्क के लिए यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा आपको। सो दिस इज 3 ओम, लेट अस सपोज ये 5 वोल्ट का सोर्स है, ये 2 ओम का है, 6 ओम का है, और ये 10 एम्पियर्स का है, ठीक है। पॉइंट्स बना लेते हैं इनके, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अगला जो टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टर्म है? तो नेक्स्ट टर्म जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज, नेक्स्ट टर्म जो हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड वाला, दैट इज नोड। अगला टर्म जो है दैट इज नोड। अब नोड क्या होता है, क्या होता है वो बाद में जानेंगे, पहले इसमें पहचानिए, इसमें जरा खोज के बताइए कितने नोड्स दिखते हैं आपको। है ना चारू, उस केस में पैरेलल ब्रांच हो जाता है, वो दो अलग अलग ब्रांचेस है, उसको आप क्लब करके एक बना सकते हो, बट स्टिल आप बोलोगे कि 2 ब्रांच है, दो अलग अलग ब्रांचेस है, वहां पे करंट डिवाइड हुई 2 ब्रांचेस, ठीक है राहुल, ठीक है। इसी में एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, इसी में ना एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा ब्रांच का, ठीक है। चलिए तो इसमें सबसे पहले आप लोग जरा नोड खोज के बताइए कितने नोड्स दिखते हैं आप लोगों को, ये पूरा प्रैक्टिस वाला पार्ट है, तो इसमें नोड्स कितने दिखे, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन दिस सर्किट। हैविंग वन के बाद क्या था बाबर ने पूछा है, हैविंग वन सर्किट एलिमेंट, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है सी के टी, सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड इन इट्स टर्मिनल। नोड कितने दिखे भाई आप लोग को, 4 भी दिख रहे हैं, 3 भी दिख रहे हैं, 2 भी दिख रहे हैं,
क्या बात है, सूर्यकांत ने लिखा है 2 है, सूरज ने लिखा है 2, लक्ष्मण ने लिखा 4, और स्टाइलिश नाजिर ने लिखा है 4 है, दीपक ने बोला है कि 4 है, ठीक है। ब्रजमोहन ने कितना बोला, 3 नोट्स है। चलिए नोट का डेफिनेशन बता दूं मैं जल्दी जल्दी सर। इट इज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर ब्रांचेस कंबाइन, ठीक है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, एक ही बार में समझ में आए ऐसा डेफिनेशन। मतलब क्या है, बस आपको करना क्या है, सर्किट में ऐसा पॉइंट खोजना है जहां पे दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस कंबाइन हो जाती हो, है ना, कितनी ब्रांचेस, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, बस इतने से मतलब है। कितने पॉइंट्स ऐसे दिखते हैं, चलिए शुरू से देखते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिएगा। बात करते हैं अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट एक नोड होगा कि नहीं होगा, यहां दो ब्रांचेस कंबाइन होती हुई दिख रही है ना, 5 वोल्ट वाली और 3 ओम वाली, ये दोनों कंबाइन होती हैं, दिस इज श्योरली अ नोड। बी पॉइंट है, यस दिस इज ऑल्सो अ नोड। सी पॉइंट है सर, हाँ बिल्कुल ये भी नोड है। अच्छा डी ई एफ का क्या है, ये सब मिला जुला के सर एक ही नोड बनेगा, एक ही नोड बनेगा, क्योंकि इसको अगर मैं बोलूं कि सर ये नोड है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर एक ब्रांच तो है, यहां कोई ब्रांच नहीं है सर, इसलिए रॉन्ग है। एफ यहां भी बनाऊं तो सेम हाल है, ई यहां पर भी सेम हाल, ये सब मिलके एक पॉइंट पे जुड़ते हैं, तो मैं किसी एक को बोल सकता हूं कि यहां पर एक नोड और है। तो कितनी नोड हो गई मेरे पास, नोड हो गई मेरे पास ये एन वन, दिस इज नोड एन टू, दिस इज नोड एन थ्री, एंड दिस वन इज नोड एन फोर, बस कितनी नोड्स है, 4 नोड्स। इसके अलावा कोई भी नोड नहीं है इसके अंदर। तो नोड इज अ पॉइंट ऑफ अ सर्किट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस कंबाइन। तो इसके लिए पहले क्या पता होना जरूरी था कि ब्रांच कितनी है, जरा इसमें देखिए बताइए तो कितनी ब्रांच दिखती है आप लोग को, ब्रांचेस 1 2 3 4 5, पांच ब्रांच है यहाँ पे, कितनी ब्रांच है, पांच ब्रांच, 3 ओम वाला ब्रांच, 5 वोल्ट वाला ब्रांच, 2 ओम वाला ब्रांच, 6 ओम वाला ब्रांच और 10 एम्पियर वाला ब्रांच। इधर नीचे कुछ भी नहीं है, इधर कोई भी ब्रांच नहीं है, सब एक ही पॉइंट पे इंटरकनेक्टेड सेगमेंट्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो कितनी नोड है, सिर्फ 4 नोड है यहां पर, ठीक है। चलिए तो यहां तक ठीक है, 4 नोड्स मिल गई हम सभी को, बताइएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी, ब्रांच और नोड में किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो फटाफट से मुझे बताइए, किसी को भी, इतनी दूर तक का पॉइंट तो क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं, जब इतनी दूर तक क्लियर रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक है यार। जैसे ब्रांच नहीं पता होता तो नोड नहीं बता सकते, जिस बच्चे को ब्रांच में कंफ्यूजन है उसका नोड का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको ब्रांच आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, तो वो यहाँ गलत आइडेंटिफाई करेगा, उसको नोड दिखेगी नहीं डेफिनेशन के हिसाब से, इसीलिए हर चीज जरूरी है एक के बाद एक। तो यहां तक ओके, लव यू डियर नाजिर और सभी बच्चे, आप सबको। ब्रांच और कंफ्यूजन में सर, अच्छा ब्रांच वाला बता दूं मैं, ठीक है, ब्रांच का एक बार फिर से बता देता हूँ। इट इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्किट विच शुड होल्ड वन सर्किट एलिमेंट, सर्किट का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जिसमें एक सर्किट एलिमेंट आना चाहिए एट अ टाइम, उससे ज्यादा नहीं उससे कम भी नहीं। मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, है ना, आगे की फिर जो भी सर्किट हो, ये 2 ओम का रजिस्टर है, 5 वोल्ट का एक सोर्स, ये जुड़े हुए हैं, कितनी ब्रांच है यहाँ पे, हमको देख के लगेगा सर एक ही ब्रांच है, नहीं, यहां से यहां तक एक सर्किट एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, एक रजिस्टर है, और यहां से यहां तक एक और सर्किट एलिमेंट है जो कि वोल्टेज सोर्स है, जो कि एक वोल्टेज सोर्स है। अच्छा थ्योरेटिकली इसको मैं लिखने बोलूं तो कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स, या वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर, ऐसे ही बोलोगे ना। तो इसका मतलब एक रजिस्टर वाली ब्रांच एक वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है, तो दीज आर टू डिफरेंट ब्रांचेस, ये दो ब्रांचेस हैं। तो सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा जो एट अ टाइम एक सर्किट एलिमेंट होल्ड करता है, दैट इज अ ब्रांच, ठीक है, एक सर्किट एलिमेंट एट अ टाइम होल्ड करे, ये थ्योरी। इसको समझने के लिए इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन क्या होता है कि अगर मान लो सर्किट ऐसी होती, अब कोई आपसे बोले कि चलो बताओ इसमें कितनी ब्रांचेस है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट का सोर्स है। अब आपसे कोई बोल दे कि चलो बताओ ए से लेके बी के बीच में कितनी ब्रांचेस है, अब आप क्या बोलोगे, आप अगर एलिमेंट काउंट करने लग जाओगे तो आप बोलोगे सर 3 ब्रांच है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के एलिमेंट जब सीरीज में जुड़े हुए हैं, जब सेम एलिमेंट्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, या दूसरा तरीका बोलने का कि जब वो सेम करंट शेयर करते हैं,
तो इन दैट केस आप उसको क्लब करके एक ब्रांच बना सकते हो, उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो मतलब इसको टू और फाइव की दो अलग अलग रजिस्टर नहीं, आप इसको बोलोगे कि सर ये 7 ओम का एक रजिस्टर है जो कि सीरीज में 10 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस हिसाब से कितनी ब्रांच हुई सर? इस हिसाब से ये एक ब्रांच है B1 और यहाँ से यहाँ तक B2 ब्रांच, दूसरे दो ब्रांच है सर यहाँ पे भी, ऐसा करना हमको, ठीक है? इस तरीके से दो ब्रांच है ना, तो यहाँ पर भी दो ब्रांच है, यहाँ पे भी दो ब्रांच है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया। तो यहाँ सेम एलिमेंट को स्प्लिट कर दिया। अब ये 5 को मैं और 5 तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना, इस 1 1 के 5 रजिस्टर लगा दूंगा तो थोड़ी ना 5 ब्रांच हो जाएगी, वो रहेगा एक ही ब्रांच, इतना पोर्शन एक ही ब्रांच रहेगा पूरा, ठीक है? यहाँ से दूसरा सर्किट एलिमेंट है तो दूसरी ब्रांच है, सेकंड ब्रांच। और नॉर्मली जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो आसान सा तरीका है कि आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए, आपको एलिमेंट्स को काउंट करने से ही पता चल जाएगा कितनी ब्रांचेस है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाएंगी उस केस में जहां रिपीटेडली सेम करंट शेयर करता हुआ सेम एलिमेंट नहीं है, तब ऐसा रहता है। चलिए, तो अब नोड का डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि नोड का डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर सर्किट में दो ब्रांचेस कहीं पे आपस में मिलते हैं तो वो नोड है, जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं नोड है। सिर्फ दो नहीं, दो से ज्यादा, मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी ब्रांचेस मिले दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज अ नोड। तो चलिए ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक और अगला टर्म जो बहुत पूछता है केसीएल में, क्या टर्म पूछता है, चलिए थर्ड टर्म पे आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा वाला टर्म है जंक्शन, नेक्स्ट टर्म इज जंक्शन, ये भी पता रहे व्हाट इज अ जंक्शन। चलिए मैं बताऊं, उससे पहले मैं पूछ लेता हूं कि भाई सर्किट में आपको कितने जंक्शन दिखते हैं, अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी जंक्शन आर प्रेजेंट इन दिस सर्किट। सूर्यकांत ने पूछा कि सर जब और एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, तो हम ऐसा मानेंगे कि दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं जिसको मिला के एक बैटरी बन रही है, तो उसका भी ईएमएफ आप कंबाइन करके एक सिंगल ईएमएफ का सोर्स बना सकते हो, स्टिल इट विल बी वन ब्रांच, तभी भी वो एक ही ब्रांच कहलाएगा, ठीक है? नोड कैसे पहचानेंगे, नोड पहचानने का तरीका जहां दो ब्रांच मिलती है, जैसे 5 वोल्ट वाला ब्रांच 3 ओम वाली ब्रांच के साथ ए पॉइंट पे मिलता है तो ये एक नोड हो गया। बी पॉइंट पे देखो 5 वोल्ट वाली ब्रांच, 6 ओम वाली ब्रांच और 2 ओम वाली ब्रांच, तीनों एक जगह पे आके मिलती है, तो ये जो पॉइंट बना दिस इज ऑल्सो अ नोड। दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जब भी कंबाइन होंगी, जहां भी कंबाइन होंगी, नोड कहलाएगा, ठीक है? जंक्शन कितने दिखे जल्दी से बताइएगा, दो जंक्शन एक जंक्शन, देखें क्या क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। सूर्यकांत का आंसर है 1, प्रभाकर का आंसर है 2 जंक्शन, तन्मय ने लिखा 2, सगुन ने लिखा 2 जंक्शन, अंजनी ने लिखा है 2 जंक्शन, लक्ष्मण ने लिखा नो सर ओनली 1 जंक्शन, चारू ने लिखा 1 और 2 में कन्फ्यूज, रेफरेंस नोड को जंक्शन कह सकते हैं या नहीं। हाँ, तो सबसे पहला चीज की पहले का पढ़ा हुआ थोड़ी देर के लिए अभी भूलिए, अभी मैं लेके आऊंगा उस पॉइंट तक लेके चल रहा हूँ, वहां पे बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे होगा, रेफरेंस किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल नोड या प्राइमरी नोड किसको बोलते हैं, ये सब। बट फिलहाल अभी के लिए मैंने आपसे जंक्शन पूछा, तो जंक्शन का डेफिनेशन चलिए पहले मैं लिखाता हूँ फिर पूछूंगा बाकी चीजें, पहले जंक्शन का डेफिनेशन लिखा दूं आप लोग को। तो नोड जो है एक पॉइंट है, जंक्शन भी एक पॉइंट है, लेकिन एक अंतर है, इट इज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर, इसकी दो डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा मैं, ठीक है? वेयर थ्री और मोर, एकदम आसान तरीका आपको बता रहा हूं कि बस इस चीज को आप जज कर लीजिए, इसी से हर बार पहचान सकते हैं, वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस कंबाइन, वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस कंबाइन। अगर ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है तो एक और डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर द करेंट, वेयर द करेंट कंपल्सरीली डिवाइड्स। ये वाले डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को क्लब करके आप चेक कर सकते हो कि क्या ये दोनों चीजें हो रही है, जिसको हम जंक्शन बोल रहे हैं क्या वहां पे वाकई में दोनों चीजें हो रही है क्या, ठीक है? हेलो मेश, हेलो डियर, ठीक है,
तो व्हाट विल आई डू, एसएससी जेई मेंस प्रिपरेशन, सीजीपीएससी पॉलिटेक, आरआरबी जेई एसएस ई, दे आर नॉन टेक पोर्शन आर डिफरेंट, है ना। देखिए दोनों चीज़ें करना है उमेश, ग्रेजुअली मैं यही जेई चैनल पर कल आ भी रहा हूँ आप लोग से इसी बारे में बात करने के लिए कि आगे क्या करेंगे हम लोग, है ना, कि आगे नेक्स्ट क्या प्लान करना है आपको। तो कल इसके लिए एक सेशन भी है, कल डेफिनेटली आप लोग से मैं मिलूंगा उसमें, तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली इसके बारे में बताऊँगा। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि आगे ना आपको, क्योंकि आपका स्कोर जिस अकॉर्डिंग आ रहा है उस अकॉर्डिंग आपको पेपर टू भी प्लान करना है और पैरेलली आरआरबी के लिए भी लेके चलना है, दोनों एग्जामिनेशंस के लिए साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। कल डिटेल में इसके बारे में बात करता हूँ आपसे, चलिए ठीक है। प्रिंसिपल जंक्शन भी कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल नोड होता है, प्रिंसिपल नोड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसा होता है ना, जब दो बैटरी जोड़ दिया जाए तो क्या। राहुल आपका आंसर है कि तब एक ही ब्रांच कहलाएगा वो, अगर दो बैटरीज भी ऐसे सीरीज में है एक ही ब्रांच बोलेंगे। चलिए जंक्शन को मैं फटाफट से क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज जंक्शन। अरे इसको ऐसे समझिए, देखिए दूसरे तरीके से समझते हैं, ट्रेन से हम लोग सब ट्रेवल किए ना, ट्रेन से हम लोग सब जाते हैं, एक कोई भी रूट पकड़ लेते हैं, कोई भी एक रूट। आप सपोज कर लीजिए कि आप, अब यार आसपास का स्टेशन मैं भूल जाऊंगा, अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे है प्रयागराज, है ना, मेरे आने जाने वाला रूट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से जब वाराणसी जब जाता हूँ तो प्रयागराज से होते हुए फिर बाद में पड़ता, और बीच बीच में स्टेशन पड़ते रहते हैं, फिर लास्ट में वाराणसी जंक्शन आता है, ठीक है। ये प्रयागराज जो है ये भी यहाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये भी जंक्शन है। आप पढ़ते हैं ना रेलवे में, मतलब जब पढ़ते नहीं है, मतलब जब आते जाते हैं तो बोर्ड में आप पढ़ते होंगे कि वहाँ पे जंक्शन लिखा रहता है, सब स्टेशन पे तो ऐसा नहीं लिखा रहता है, हर स्टेशन पे ऐसा नहीं लिखा रहता है कि जंक्शन है, कुछ ही स्टेशन पर लिखा होता है जंक्शन है, बाकी में सिर्फ नाम बस लिखा रहता है ना, कुछ कुछ जंक्शन होते हैं, तो क्यों ऐसा लिखा रहता है ना। अंजलि ने पूछा है कि सर आप वाराणसी से हो, हाँ मेरी मतलब लगभग पूरी फैमिली वाराणसी से ही है प्रॉपर, बट मैं फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये रायपुर, छत्तीसगढ़ के जो कैपिटल सिटी है रायपुर, ये वहाँ से ये लेक्चर हो रहा है फिलहाल। तो जब मैं जाता हूँ तो ये रास्ते में प्रयागराज पड़ेगा, वाराणसी पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अच्छा और बाकी स्टेशन को जंक्शन क्यों नहीं बोलते, बीच बीच में और भी दूसरे दूसरे स्टॉप्स पड़ेंगे ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली सबका, बट और भी सब अलग अलग स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो जंक्शन होते हैं ना, यहाँ से एक ऑप्शन रहता है कि आप एक दूसरे रूट की ट्रेन ले सकते हो, दूसरे रूट की ट्रेन, एक तो ऑप्शन रहेगा कि आप इसी रूट में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, वाराणसी से आप आगे चलेगा, आगे आपको जहाँ भी जाना है, एक तो वो हो गया, और दूसरा आप अपना रूट डाइवर्ट कर सकते हो, तो जैसे जो जंक्शन से आते हैं यहाँ से आपका रूट डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ से दो अलग अलग रूट के लिए ट्रेनें निकल सकती हैं, एक सीधा रूट के लिए भी और अलग रूट के लिए भी ट्रेन निकलती है, तो हर जगह ऐसा होता है। तो रेलवे जो है जिस भी पॉइंट को, जिस भी स्टेशन को जंक्शन बोलता है, मतलब समझ लीजिएगा कि यहाँ से ट्रेनों का रूट जो है वो स्विच हो सकता है, अलग डायरेक्शन की ट्रेन मिलेगी आपको उस जंक्शन से, ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे बाप रे, आपको लगा साउथ से, हाँ साउथ में मेरे जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मैं भी जब साउथ गया था तो बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ कि अच्छा सब सब दाढ़ी और मूछ वाले लोग ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था यहाँ, चलो मेरे जैसे और भी लोग दिखते हैं, है ना। तो मैं ऐसे ही रहता हूँ ना नॉर्मली, मेरे घर वाले सब खूब डांटते रहते हैं कि ये क्या हाल बना रखा है, बट मेरे को ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। तो ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो यहाँ से हमको दिखता है कि जो जंक्शन होता है, जंक्शन से रूट डाइवर्ट हो जाता है, अलग रास्ते की ट्रेन मिल जाती है, तो मतलब जंक्शन क्या करता है, अगर इसी जंक्शन को मैं इलेक्ट्रिसिटी में समझूं तो मैं ये बोलूंगा कि अगर यहाँ से करंट आ रही है तो करंट को एक पाथ मिल जाता है भटकने का, डाइवर्ट होने का एक रास्ता मिल जाता है जंक्शन पर, तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर दो इसी थ्योरी को। तो सर मतलब जंक्शन ये हो गया कोई ऐसा पॉइंट जो करंट को जानबूझ के डिवाइड करेगा ही करेगा, और करंट कब डिवाइड होगी, जब मिनिमम तीन ब्रांचेस होगी तभी करंट डिवाइड होगी, कैसे फिर से बताओ सर। देखो अगर ऐसा बना दूं, क्या यहाँ करंट डिवाइड होगी, आपको लगता है कभी नहीं होगी डिवाइड, कभी भी नहीं होगी। देखिए यहाँ से करंट जा रही है, इसी रजिस्टर से होते हुए जाएगी, दूसरे रजिस्टर में भी सेम करंट जाएगी, कोई डिवीजन नहीं, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से एक रास्ता दे दूँ लाइक दिस, तो करंट का डिवाइड होना तय है, तो करंट कंपल्सरीली डिवाइड होनी ही होनी है, तो वहीं से फॉर्मेशन होता है जंक्शन का। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा सर्किट का जो जरूर से करंट को डिवाइड करेगा, तो ऐसा पॉइंट कब बनता है, जब तीन ब्रांचेस मिलती हैं तब बनता है, ठीक है, दो से नहीं बनता, मिनिमम तीन ब्रांच का होना जरूरी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर कितने जंक्शन है, मुद्दे की बात आप बताओ, पहले कलर सेलेक्ट करते हैं, हाँ जी कितने जंक्शन है, कहाँ पे दिखते हैं, ये एक पॉइंट है क्या, ये जंक्शन है, दो ब्रांच है सर, सेम करंट जाएगी, नहीं है जंक्शन, बी पॉइंट, हाँ दिस इज अ जंक्शन, ये डेफिनेटली एक जंक्शन है, क्यों, जंक्शन वन, ये 5 वोल्ट 2 ओम 6 ओम ये मिले हैं,
यहां से अगर कोई करंट मैं भेजूं तो ये करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो जंक्शन के दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई होते हैं। पहला तो बोलता है कि सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस कंबाइन है। दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि जहां पे, देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरीली, कोई ऑप्शन नहीं है, करंट तो डिवाइड होनी ही होनी है जंक्शन पे, तय है कि डिवाइड होगी। ठीक है, इसीलिए आशुतोष, यस डियर, बताओ बताओ बताओ। थैंक यू सो मच सगुन, थैंक यू सो मच डियर। तो ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ जंक्शन। तो अब इस सर्किट में एक ही जंक्शन है क्या? नहीं, और है। कहां पे है सर? देखिए यहां पे एक जंक्शन छुप के बैठा हुआ है एफईडी के बीच में। इस पॉइंट्स को मैंने आपको बोला ना कि ये सब तो एक ही पॉइंट है ना, इनको एक ही जगह पे कंबाइन कर दो। ये जब कंबाइन होंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये भी पॉइंट तो एक जंक्शन है सर, दिस इज जंक्शन जे टू। वैसे कंबाइन करने की जरूरत नहीं है सर्किट में, ये आपके समझाने के लिए मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको आप मान के चलिए इक्वी पोटेंशियल सेगमेंट है। इस पूरे पॉइंट में कहीं पे भी आप जंक्शन लिख सकते हो, बात बराबर है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, ये देखो ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री, ये तीनों आके इस पॉइंट पे भी मिलते हैं, इस इधर भी मिलते हैं और इधर भी मिलते हैं। तो ये भी एक जंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ जंक्शन। ठीक, जब नोडल पे जाएंगे तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड में अंतर क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो जंक्शन समझ में आ गया, मिनिमम तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस जहां मिलते हैं दैट इज अ जंक्शन। नोड मतलब जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिले दैट इज अ नोड। तो क्या दोनों रिलेटेड हैं आपस में? हाँ, दोनों चचेरे भाई के बुआ के लड़के हैं। मतलब देखो, हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल जंक्शंस आर नोड बट ऑल नोड्स आर नॉट जंक्शन। कंपल्सरीली मतलब क्या हुआ? जितने भी जंक्शन आपको मिलेंगे वो सब किसी जमाने में नोड रहे होंगे, पक्के से नोड होंगे ये लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच चारू। सर ये किस सेम और किस ब्रांच की पढ़ाई हो रही है? फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ाई हो रही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांच है डियर, है ना। बोर्ड नोट्स मैंने सेव करके रखा है सूर्यकांत, मैं अपने पास पीडीएफ डेली के डेली सेव करता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। ग्रेजुअली आप लोग का जब ग्रुप फॉर्म हो जाएगा ना तो मैं उसमें सेंड कर दूंगा, लेकिन तब तक आप लोग अपने नोट्स ना खुद से बनाते जाइए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, क्या पता कभी किसी दिन डिलीट हो गया, किसी दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, नहीं रही, तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ, मैं इसलिए तो लिखता हूँ सारी चीज़, क्योंकि जब तक मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लीजिए। यस, दोबारा से फिर से एक बार। सो मैंने ये बोला कि जितने जंक्शन है सब नोड तो होंगे ही होंगे। देखिए इसको एन फोर नोड बोला था पहले, ये जंक्शन जे टू है। इसको एन टू नोड बोला था, ये जंक्शन जे वन है। लेकिन एन वन और एन थ्री जो हैं ये तो पहले भी नोड थे, लेकिन ये आगे चल के जंक्शन नहीं बोले हम लोग इनको। क्यों? क्योंकि जंक्शन मतलब थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस। अगर मोर देन थ्री है या थ्री भी है तो इट इज ऑलरेडी मोर देन टू। नोड में आप बोलते हो कि दो या दो से ज्यादा ब्रांच होने से, के कॉम्बिनेशन होने से वो नोड बन जाता है। तो जंक्शन तो नोड होगा ही होगा 100%, लेकिन हर नोड जंक्शन नहीं होगी, ये हमको यहां से दिख गया। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन किसमें आता है? दो नंबर, चार नंबर में आपके किसमें पूछेगा? यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकता है, टू मार्क्स में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का पूछ लेगा, जो ये मैंने लास्ट लाइन में लिखा है, ये कई यूनिवर्सिटीज में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है कि ऑल जंक्शंस आर डैश बट ऑल नोड्स आर डैश, इस टाइप से ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को आगे चल के। तो एक ये चीज है, ठीक है, एक ही यूनिवर्सिटी पटना से क्वेश्चन सॉल्व कराइए सर प्लीज, डेफिनेटली यार। केवीएल केसीएल आगे चल के पढ़ेंगे ना, है ना इप्सिता, आगे चल के केवीएल केसीएल सब आ रहा है। अभी तो वीडीआर सीडीआर आया हुआ है, सीडीआर वीडीआर के बाद अगला टॉपिक यही है, केवीएल केसीएल पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहां तक जंक्शन तक क्लियर। अब अगली दो चीजें और, नेक्स्ट टू थिंग्स, अगले पेज में चलते हैं। अब बात करते हैं अबाउट मैश एंड लूप, जरा मैश और लूप को भी समझते हैं। बस इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे नोड और जंक्शन के बारे में, वो कहां पे काम आएगा आपको? वो आपको काम आएगा केसीएल में, किरचॉफ करंट लॉ जब पढ़ेंगे। तो अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये काम आएगा आपको केवीएल में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। ठीक है, इन सब का अपना अपना यूज है। तो सही टाइम आने पे आपको समझ आएगा कि ये सब जो हम लोग पढ़ रहे थे ये कहां पे यूजफुल है।
यूनिवर्सिटी में अभी तक ये जो पॉइंट आप अभी जो पढ़ रहे हो, जिसमें आप टर्मिनोलॉजीज को लिख रहे हो ना, इसका वेटेज सिर्फ 2 नंबर का, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन आगे चल के इसको न्यूमेरिकल में आप जब यूज़ करोगे तब इसका वेटेज बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला थिंग यहाँ पे देखते हैं कि मैश कितने हैं, वॉट इज द नंबर ऑफ मैश प्रेजेंट इन द सर्किट। तो पहुंच गए हम लोग अपने 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे। फोर्थ इज मैश। मैश का डेफिनेशन के हिसाब से, चलिए डेफिनेशन बाद में, पहले मुझे बताइएगा कि यहाँ कितने मैश आपको दिखे, है ना। आप सबको यहाँ पे कितने मैश दिखते हैं, सभी लोग काउंट कर लीजिए। ए बी सी डी ई एफ, यस, हाउ मेनी मैश आर देयर? 2 मैश, 3 लूप। सूर्यकांत बहुत ही बढ़िया यार, नाइस। टू मैश है। कमेंट एक ऊपर चला गया, अन्ना यूनिवर्सिटी का कुछ आपने लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। दीपक ने लिखा लूप 3 है, मैश 2 है, बिल्कुल सही है। मैश का डेफिनेशन तुरंत बता दूं आप लोग, मैश में तो मुझे लगता है एकदम सही चल रहे हो आप लोग, एकदम सही कंसेप्ट है आपका। मैश इज, लिखते हैं, इट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स थ्रू विच करेंट कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक, अच्छा मैं बता दूं आपको, लूप का डेफिनेशन भी यहां तक सेम है, लूप का डेफिनेशन भी यहां तक तो सेम है, इसके आगे की चीज इनको अलग करती है। इसके आगे लिखा है अ मैश विल नेवर कंटेन एनी अदर क्लोज्ड पाथ इनसाइड इट। एक मैश के अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ हो ही नहीं सकता। मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं आपको कि ये पोर्शन एक मैश है, ठीक है सर, और ये भी पोर्शन एक मैश है, हाँ ठीक है, दोनों क्लोज पाथ है, एलिमेंट्री क्लोज पाथ है। लेकिन अगर मैं इसके बाद आपको ये बोल दूं कि ये पोर्शन भी एक मैश है, तो मेरा आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो एक्सटर्नली मैंने ग्रीन कलर से जिस लाइन को ड्रॉ किया है, आउटलाइन को, इसके अंदर 2 क्लोज्ड पाथ पहले से हैं। तो एक मैश की डेफिनेशन ये बोलता है कि एक मैश के अंदर कभी भी कोई भी दूसरा अदर क्लोज्ड पाथ होगा ही नहीं, ये सबसे एलिमेंट्री क्लोज्ड पाथ होगा किसी सर्किट का। तो इसका मतलब इस सर्किट में कितने मैश हैं? इस सर्किट में सिर्फ 2 मैश हैं। तो ये इसका आंसर आप लोग पहले ही दे चुके हो, एकदम सही आंसर है आप लोग का, तो इसमें नो डाउट आगे बढ़ सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए, इस सर्किट में यही 2 मैश हैं, ए बी ई एफ और बी सी डी ई, ये पूरे 2 मैश हमारे पास, ठीक है। जब केवीएल लगाते हैं आगे चल के मैश एनालिसिस के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, तो इसी मैश को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसी को ढूंढना होता है आपको सर्किट में कि कितने मैश हैं, और फिर हर मैश के अंदर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट या एंटी क्लॉकवाइज में करंट को अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ मैश इज। लूप क्या होता है? लूप का डेफिनेशन भी इससे मिलता जुलता है, चलिए साथ ही में लिखवा देता हूं इसको भी। 5वां पॉइंट है अपना लूप, लास्ट है ये। सो व्हाट इज अ लूप? लूप के बारे में लिखते हैं, अगेन यहां तक पूरा चीज सेम है, यहां तक ये जितना भी पोर्शन में लिखाया हूं ना आपको, ये पूरा पोर्शन सेम है कि इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, क्लोज्ड पाथ फॉर्म बाय इलेक्ट्रिकल एलिमेंट थ्रू विच करंट कैन बी ट्रांसफर्ड। ये देखिए, ये पूरा डेफिनेशन सेम है यहां तक। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अ लूप कैन कंटेन वेरियस अदर लूप्स इनसाइड इट। अ लूप कैन कंटेन वेरियस अदर लूप्स इनसाइड, कैन कंटेन, नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि लूप के अंदर बहुत सारे लूप होने जरूरी तभी लूप बोलोगे आप उसको, या एक लूप के अंदर बहुत सारा क्लोज पाथ होगा तभी लूप बोलोगे, इट इज नॉट कंपल्सरी। लेकिन हाँ, इट कैन कंटेन, अगर जरूरत पड़ी तो एक लूप के अंदर बहुत सारे क्लोज पाथ हो सकते हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द केस, तो इसको आप लूप बोलेंगे। तो यहां पर लूप कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? देखिए, इतने कितने लूप दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले जो क्लोज्ड पाथ पहले से था अपने पास, इसको भी आप लूप बोलोगे, ये वाला पोर्शन, दिस इज अ लूप, क्लोज्ड पाथ, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ, सिर्फ क्लोज्ड पाथ होने से मतलब है, फॉर्म बाय इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, एक क्लोज्ड सर्किट होने से मतलब है। और तीसरा,
ये जो एक्सटर्नल पोर्शन है जो बाहर से मैंने बनाया हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ लूप. तो टोटल सर्किट में कितने लूप हैं? 1, 2, 3, तीन लूप हैं. टोटल सर्किट में तीन लूप आपको दिखते हैं, ठीक है. जनवरी में एंड होगा डियर. मैथ्स इज इजी भाई, सचिन उपाध्याय, है ना. आपका क्वेश्चन था कि सर सिलेबस कब तक एंड होगा. जनवरी, जनवरी तक सिलेबस आप लोग का एंड हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज इट. लूप क्लियर सभी को? बताएगा मुझे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो फटाफट से बताएगा. अगर डाउट नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. टोटल थ्री लूप्स आर देयर. तो फिर से मैश और लूप का क्या रिलेशन आप बता सकते हो? मैश और लूप को आप एक साथ कंबाइन करके बोल सकते हो कि ऑल मैश आर लूप्स बट ऑल द लूप्स आर नॉट कंपल्सरीली अ मैश. मतलब हर मैश जो है वो लूप तो होगा ही होगा, क्योंकि मैश मतलब क्लोज्ड पाथ, तो वो वैसे ही लूप का डेफिनेशन के अंदर आ गया, तो लूप तो होगा ही होगा. लेकिन हर लूप मैश नहीं है. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये बाहर वाला जो लूप बताया लास्ट में, ये सिर्फ लूप ही है, ये मैश नहीं है, है ना. ये ए सी डी एफ, इट इज जस्ट अ लूप, इट इज नॉट अ मैश. ये मैश नहीं है. तो हर मैश लूप तो होगा होगा, ये कन्फर्म है. लेकिन हर लूप मैश हो इसकी कोई गारंटी नहीं है. दिस इज नॉट. मैश को रिपीट कर दूं क्या? प्रभाकर, खूब सारा मैसेज लिख दिया आपने, ठीक है. बाकी बच्चों को भी मैसेज आने दीजिए, मैं पढ़ लिया आपका मैसेज, ठीक है. मैं दोबारा से बता देता हूँ. सो वॉट इज अ मैश? मैश इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकल एलिमेंट थ्रू विच करंट कैन फ्लो, है ना. प्रभाकर ध्यान से देखिएगा, मैश इज वॉट? मैश इज अ क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड हिस्सा होता है सर्किट का जिसके थ्रू करंट जा सकती है, ठीक है. लेकिन खास बात, एक मैश के अंदर दूसरी मैश नहीं हो सकती. एक मैश के अंदर एक ही क्लोज्ड पाथ होगा. एलिमेंट्री क्लोज्ड पाथ वही है. जैसे अब इसके बीच में, ए से ई के बीच में मान लो मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, तो क्या अब ये जो पोर्शन था पूरा, क्या ये अब मैश है? अब नहीं है मैश. अब मैश कहां पे है सर? अब ये लोग मैश हैं. देखिए ये पोर्शन पूरा एक मैश है, ये बाहर का जो पोर्शन है ये एक मैश. अब यहां दो अलग अलग मैश हैं, ठीक है. अब ये दो अलग अलग एलिमेंट्री हिस्सा है. अब अगर आप बोलोगे कि सर ये पूरा एक क्लोज्ड पाथ है, रॉन्ग हो जाएगा. ये लूप हो सकता है, मैश नहीं हो सकता. मैश तो ये छोटा वाला एलिमेंट्री क्लोज्ड हिस्सा और ये वाला एलिमेंट्री क्लोज्ड हिस्सा है, और ये तो है ही पहले से मैश, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ मैश. तो तीन मैश आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है. तो मैश क्या होता है? सर्किट का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे एलिमेंट्री पार्ट, जो कि क्लोज्ड होता है, जो बंद हिस्सा होता है जिसके थ्रू करंट आप भेज सकते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल अ मैश, ठीक है. बढ़िया, क्लियर है यहां तक? चलिए अब तो यहां तक ओके है ना, यहां तक ओके है सभी को. नेक्स्ट पे चले. अब इसमें पांच लूप बन गए, है ना, बिल्कुल सही. और राहुल ने लिखा कि प्लीज रिपीट लूप. लूप का मैं बता देता हूं. लूप मतलब कोई भी ऐसा क्लोज्ड हिस्सा जिसके अंदर वेरियस क्लोज्ड पाथ हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि जैसे 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 ये देखिए, यहां पर आप बोलोगे ये एक लूप है सर. हाँ बिल्कुल एक लूप है. ये भी एक लूप है. हाँ जी बिल्कुल लूप है. ये भी एक लूप है. सर ये तो मैश भी थे पहले. हाँ तो हर मैश तो लूप होता है ना, तो इसलिए लूप है. और इसके अलावा आप बोलो कि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है बाहर का, ये भी एक लूप है. हाँ जी, जितने भी क्लोज्ड पाथ आप फॉर्म कर सकते हो सब फॉर्म कर लो, सब लूप है, ये सब लूप है. और इसके अलावा यहां से भी आप फॉर्म करते जाओ, तो वेरियस सेगमेंट्स आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. बहुत सारे लूप आप फॉर्म कर सकते हो. आगे चल के मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि लूप के लिए फॉर्मूला क्या बनता है ना, ब्रांचेस के फॉर्म में. तो बी माइनस एन प्लस वन वाला फॉर्मूला उसी के लिए होता है, एक्चुअल में लूप के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट इसको आगे चल के यूज करेंगे. थोड़ा सा और डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं अभी से शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पहले ही शॉर्टकट बता दूंगा तो जो फुल लेंथ में जो जितना बेटर वे में आपको समझ में आएगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है. चलिए अब आपको मैं सीडीआर वीडीआर पे लेके चलता हूँ. जस्ट लाइक बॉक्स टू मैश है, बिल्कुल सही सूरज, राइट है. हाँ जी, तो मैं आपको अब सीडीआर और वीडीआर की तरफ लेके चलता हूँ. ये क्या चीज़ें? ये दोनों टूल्स हैं, करंट डिवीजन रूल, सीडीआर. कब अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, समझिएगा एकदम ध्यान से. करंट डिवीजन रूल या सीडीआर. अब आप लोग सर्किट्स के दुनिया में ऐसे कदम रख चुके हैं, बेसिक्स आपने पढ़ लिया कि क्या क्या लूप मैश किसको क्या बोलते हैं, नोड वोड सब पहचान लोगे आप लोग. अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपसे, लगभग हर क्वेश्चन में मैं पूछूंगा कि बताओ इसमें कितने नोड है, कितने ब्रांच है, तो आपका रिविजन हो जाएगा उससे, ठीक है. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अब जरा से ये बताना है हमको कि ये करंट डिवीजन रूल या वीडीआर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं.
एक्चुअली ओम्स लॉ का सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो हम किसी सर्किट पे अप्लाई करते हैं, लेकिन हर बार हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम डिटेल में हर ब्रांच में ओम्स लॉ लगाते लगाते अपनी लोड वाली ब्रांच तक पहुंचे जहां से कैलकुलेट करना होता है डेटा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स बना रखे हैं, है ना। उसी शॉर्टकट्स में, उसी टूल्स में आता है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल कहां पर अप्लाई होता है, गुड क्वेश्चन, करंट डिवीजन रूल कहां पर अप्लाई होता है सर? देखिए, करंट डिवीजन रूल पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टिव ब्रांच पे अप्लाई होता है जिसमें से आपको उस रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए और टोटल करंट कितनी दी जा रही है वो पता होना चाहिए। फिर से सुनिएगा ध्यान से, दोबारा बताता हूं मैं। करंट डिवीजन रूल सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि कहां अप्लाई होता है, फिर मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई होता है। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसे दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, जहां पे भी ना समझ में पूछेगा। रजिस्टर R1 है, यहां की रेजिस्टेंस R2 है, ठीक। किसी ने आपको बता दिया कि अच्छा भाई मैं टोटल सप्लाई जो दे रहा हूं ना वो आई टोटल आई टी दे रहा हूं, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, जितनी भी टोटल सप्लाई करंट आपको दी हुई है, ठीक। ऑब्वियसली करंट के बारे में हम लोगों को इतना पता है कि करंट जो है जितनी भी आप ब्रांचेस दोगे उतने में डिवाइड होती चली जाएगी। तो यहां से कुछ I1 करंट जाएगी, यहां से I2 करंट जाएगी, ठीक। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो रहा है सर्किट के अंदर। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलता कि किसी एक ब्रांच की करंट चलो पता करके बताओ मुझे, IR2 बताओ, I2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप क्या करते, आप पहले इनका रिजल्टेंट निकालेंगे टोटल करके, है ना, इनका इक्विवेलेंट आप फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस का, फिर करंट के हेल्प से आप वोल्टेज बताएंगे, फिर वोल्टेज सब जगह सेम होता है पैरेलल में ऐसा बोलेंगे, फिर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे अच्छा एक आसान सा तरीका ये होता है कि हम एक CDR लगा दें, करंट डिवाइडर रूल। तो करंट का डिवाइडर रूल तब काम करेगा जब करंट सच में डिवाइड होगी, और करंट कब डिवाइड होगी, जब ब्रांचेस पैरेलल में जुड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल टू द पैरेलल कनेक्टेड, टू द पैरेलल कनेक्टेड ब्रांचेस वेयर द ब्रांच रेजिस्टेंस, where the branch resistance is known and total supply current is also known। क्या ये कोई नया थ्योरम है, क्या ये कोई नया टेक्निक है? कुछ नहीं है, ये वही ओम्स लॉ है। उस प्रोसेस को शॉर्ट बना के एक छोटे फॉर्मूले के फॉर्म में हम समझ लेते हैं, जिससे कि उतना बड़ा कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़ता, क्योंकि कैलकुलेशन का पैटर्न तो सेम है। तो क्यों ना एक बार उस पैटर्न को ही सीख लिया जाए और उसी पैटर्न के हिसाब से एक शॉर्टकट बना के एज अ टूल यूज किया जाए। तो ये कोई अलग से कोई नया थ्योरम नहीं है, वही ओम्स लॉ ही है जो हम पहले भी पढ़ते हैं, ठीक है, है ना। तो उमेश ने लिखा है कि व्हेनेवर सर्किट डिवाइडेड इनटू मोर पार्ट विद कॉमन एनर्जी सोर्सेज, क्या बात है, बिल्कुल सही। आशुतोष आपको कमेंट नहीं देख पाया, एक बार फिर से लिखिएगा ना। इप्सिता आपका डाउट क्वेश्चन, दिव्य ज्योति है ना, आपका डाउट क्वेश्चन आप लिख रहे हो। डाउट क्वेश्चन आप मुझसे पूछ भी सकते हो या आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप आपका, आप लोगों का ग्रुप जैसे ही फॉर्म हो जाएगा तो ग्रुप में आप फिर भेज पाएंगे, ठीक। सो अब करंट डिवाइडर रूल या करंट डिवीजन रूल कैसे काम करता है, पहले कहाँ काम करता है वो समझ में आ गया ना, कि जब पैरेलल कनेक्टेड ब्रांचेस होंगी तभी आप CDR लगा सकते हैं, जब करंट का डिवाइड भी तो होना जरूरी है ना। डिवाइड ही नहीं होगी अगर मान लो ऐसी सर्किट आपके पास है, कोई आपको बोले कि भाई साहब बताओ तो यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा के, लो आई टोटल भी बता दिया आपको, R1 भी बता दिया, R2 भी बता दिया, R3 बता दिया, तो एज ए इंजीनियर आप उसको क्या बोलोगे पता है, कि पहले करंट तो डिवाइड करो फिर CDR लगाएंगे ना, यहाँ तो करंट सेम जा रही है पूरी ब्रांच के अंदर, कहेगा करंट डिवाइडर रूल, है ना, कोई करंट डिवाइडर रूल यहाँ नहीं लगेगा। तो करंट जब डिवाइड होगी, और कब डिवाइड होगी, जब पैरेलल कनेक्टेड ब्रांचेज होंगे, जब जंक्शंस फॉर्म हो रहे होंगे सर्किट के अंदर, अभी पढ़ा आपने। तो CDR कहाँ पर लगता है ये तो समझ आ गया, अब जरा ये सोच के बताइएगा करंट डिवाइडर रूल करता क्या है। करंट डिवाइडर रूल आपको एक फ्रीडम देता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच की करंट फाइंड कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग द करंट ऑफ अदर ब्रांच। फिर से, करंट डिवाइडर रूल आपको यह बोलता है कि आप किसी एक ब्रांच की करंट को इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द करंट ऑफ एनी अदर ब्रांच। जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपको क्वेश्चन में बोला I1 फाइंड करो तो आप I1 डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, आपको उसके लिए I2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीका यह होता है कि भाई आप लिखोगे I1
आप लिखोगे कि सर आई वन इज इक्वल्स टू टोटल करंट माइनस आई टू, कि जितनी टोटल आ रही है सर उसमें से आई टू को माइनस कर देंगे तो आई वन आएगा। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए आई टू भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों फाइंड करें, क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं आई टू फाइंड करें, क्वेश्चन में तो आई वन फाइंड करने के नंबर देगा ना, आई टू फाइंड करने के मार्क्स थोड़ी ना देगा आपको कोई। तो अब एक ऐसा तरीका हमको चाहिए था जिससे डायरेक्टली आई वन निकल जाए बिना आई टू को पता किए, नहीं जानना हमको आई टू अब, इसलिए ठीक है। अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, क्या बात है सूर्यकांत, बहुत ही बढ़िया। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या हो गया, इसको फाइंड करने का तरीका जो है बड़ा ही आसान सा है। इसके लिए शॉर्ट से एक डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है तो ये डेरिवेशन के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए आप पढ़ रहे हो तो ये डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे होते तो ये डेरिवेशन मैं नहीं कराता, या शायद कराता कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए उसमें से, और ये ज़रूरी होता। देखिए हियर, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता हूँ ना मैं, कि जो वोल्टेज है वो सब जगह सेम है, यहाँ पर ये सब जगह वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई टोटल इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, ये तो तय बात है। और बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से एक चीज़ तो है कि आई वन इज इक्वल्स टू, आई वन अगर निकालना हो ओम्स लॉ से तो कैसे निकालूंगा, ये वी वन डिवाइडेड बाई आर वन, चलो इसको मैं वी वन बोल लेता हूँ, इसको वी टू बोल लेता हूँ, अलग अलग नाम लिखने से कुछ नहीं होता, वैल्यू तो सेम है। सो आई वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन आर वन, ठीक, और आई टू इज इक्वल्स टू वी टू बाई आर टू, मत लिखो इसको वी वन वी टू, इसको वी ही रहने देते हैं क्योंकि पैरेलल है ना, तो सबका तो नाम सेम ही है, एक ही है, ऐसा लिख सकते हैं ना, आई वन इज इक्वल्स टू वी वन बाई आर वन एंड आई टू इज इक्वल्स टू वी बाई आर टू, ठीक। इसको यहाँ पुट कर देते हैं ज़रा, तो देयर फोर वी कैन से कि आई टोटल इज इक्वल्स टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू, यहाँ यहाँ इनकी इनकी जगह पे पुट कर दिया मैंने, ठीक है। देन सर्टनली आगे और क्या हो जाएगा, देयर फोर आई कैन से कि आई टोटल इज इक्वल्स टू, वी को बाहर निकाल लिया, अंदर हो गया मेरे पास वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आई कैन से कि आई टोटल इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाइड विथ, नीचे आ गया मेरे पास आर वन आर टू, और ऊपर में मल्टीपल्स बना लिया तो आर वन प्लस आर टू इधर बन गया, ठीक है। अगर वी की वैल्यू पता चल जाए, अगर किसी तरीके से वी की वैल्यू पता चल जाए तो आई वन आ जाएगा, V की वैल्यू से I2 भी आ जाएगा क्योंकि R1 R2 तो नोन है पहले से। तो मैं V को इधर छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देता हूँ, सो आई विल गेट V इज इक्वल्स टू I टोटल इन टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये रिलेशन क्लियर है, दिस इज वॉट द वैल्यू ऑफ V इज, ये V की मैग्नीट्यूड यही है। अब इसको पुट करके आप ब्रांच करंट निकालिए, आसानी से निकलेगा। इसको अगर मैं इक्वेशन वन बोल देता पहले और इसको इक्वेशन टू बोल देता, तो आप इसको पुट करिए ना V की वैल्यू को, लेट इट बी इक्वेशन थ्री, ठीक है। सो नाउ आई कैन राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर वन, पहले इक्वेशन से I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, कर देते हैं पुट। तो I1 इज इक्वल्स टू, देखिए V की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, V बाई आर वन है ना, तो V का मतलब ये पूरा का पूरा टर्म, यानी आई टोटल इन टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड विथ वन बाई आर वन, ऐसा लिख सकते हैं। वन बाई आर वन मैंने लिखा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और फाइनली आप वही जाना पहचाना वैल्यू आपको मिलेगा, आई वन इज इक्वल्स टू आई टोटल इन टू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन आर वन प्लस आर टू। आप लोग ये फॉर्मूला नॉर्मली पढ़ते हैं ना, इसी फॉर्मूले को सबको याद कर लेते हैं सब लोग, इसके पीछे का तरीका ये है फाइंड करने का, जो ए जे वाले बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, मैंने यूट्यूब पे वहाँ पे भी बताया हुआ है कि इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इसको एक्सप्रेस करने का जो स्टेटमेंट होता है, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में कोई इसको डिफाइन करे तो इसे ऐसा लिखते हैं कि ब्रांच करेंट आई वन, ब्रांच करेंट इज इक्वल्स टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अननोन ब्रांच हूज़
करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। ये अपने समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एग्जामिनेशन में शॉर्ट में आप इसको यूज़ करिएगा, बट आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला बन कैसा रहा है एक्चुअल में। इस फॉर्मूले के क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव में, जब आप जाएंगे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अभी यूनिवर्सिटी में तो आपके लिए डेरिवेशन ही सफिशियंट है, कॉम्पिटेटिव में जब जाएंगे तो आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको इसीलिए मैं ये वाला थ्योरी का पार्ट जो है वो भी बता रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। लव यू डियर उमेश, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच उमेश, बहुत ही एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ था अभी उमेश के साथ, मेरा मिलना हुआ था फर्स्ट टाइम ऐसे फेस टू फेस। जानता तो मैं बहुत पहले से था, मतलब यूट्यूब के थ्रू सेशंस में मुझे याद रहता है, जो जो बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से याद रहता है कि हाँ ये बच्चा मेरे सेशन का है, कौन से बैच का है, लगभग काफ़ी हद तक याद रहता है। बट उस समय पहली बार मिलना हुआ जब अभी रिसेंट में एसएससी जेई का पेपर कंप्लीट हुआ, तो और बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी डी आर, दिस इज वॉट सी डी आर इज। ऐसे आपको सी डी आर करेंट डिवीजन रूल को अप्लाई करना, अभी इसको अप्लाई भी करना सीखेंगे, अभी तो जस्ट मेथड मैंने बताया कि इसको फाइंड कैसे करना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन है सी डी आर में, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आप लोग पूछो उससे पहले क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। सी डी आर कितने ब्रांच के सर्किट के लिए एप्लीकेबल है? यहाँ पर मैंने ऐसे दो ब्रांच वाली सर्किट बनाया है, अगर मैं तीन ब्रांच लगा दूँ या चार ब्रांच लगा दूँ तो क्या तभी भी सी डी आर एप्लीकेबल होगा उस सर्किट पर? व्हाट यू से? सर आपने उल्टा लिख दिया, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ब्रांच करंट इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन ब्रांच हुज करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। ये देखिए मैं क्या क्यों इसका ऐसा लिख रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये आर वन है, ये आर टू है, और मान लीजिए मुझे यहां की करंट पूछा आई वन, ठीक है, और ये टोटल करंट मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लूंगा यहां से, ऐसे टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अननोन ब्रांच हुज करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। ये जिस ब्रांच की करंट मुझे फाइंड करनी है ना, इसी से डिवाइड करूंगा, इसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा मैं। देखिए आर वन के लिए मुझको आई वन करंट फाइंड करना था, तो मैंने डिवाइड भी किया इसको आर वन से, इससे आर वन का टर्म कट जाएगा और लास्ट में बचेगा आपके पास ये। तो मैंने जो स्टेटमेंट बताया है आप लोग को वो इसके आधार पर बताया है, एक्चुअल में समझने के लिए इस पॉइंट से समझना होता है आपको। ये तो उसका शॉर्टकट है, आखिरी में इसका कंक्लूजन है, तो याद कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को, है ना। बट ये पता रहे कि इक्विवेलेंट, और मैंने इसी के साथ एक क्वेश्चन भी लिखा था, ठीक है, हाँ जी, इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोग के, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है, चलो कोई नहीं, बस ये लास्ट टेस्ट में आपको मैं फ्री कर देता हूँ। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कितने ब्रांचेस के नेटवर्क के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो? दो तो चलो ठीक है, फिक्स है, दो पे तो आप अप्लाई करते ही हो, अगर दो से ज्यादा ब्रांच हो गए तो तब सी डी आर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर मैं एक ऐसी सर्किट बना दूं, अगर मैं आपको एक ऐसी सर्किट दे दूं जिसमें छह ब्रांच लगे हुए हैं, टू थ्री है ना, फोर फाइव और सिक्स, ऐसे छह ब्रांच लगे हुए हैं, अब सी डी आर लगेगा इसमें? सोच के बताइएगा, क्या अभी सी डी आर लगा सकते हैं? सी डी आर मोर देन वन ब्रांच, बिल्कुल सही है उमेश का आंसर। सी डी आर रामे भाई ने लिखा है नो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस अंजनी ने लिखा, सगुन ने लिखा यस सर, एन नंबर ऑफ ब्रांच में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इस छह ब्रांच वाले में लगा सकते हैं कि नहीं, बस मुझे इतना बता दो, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अभी नया नया मैं सीख रहा हूँ कि सी डी आर दिखता कैसा है, ठीक है। तो क्या इसके लिए काम आएगा, क्या इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर बस ऐसी सर ने पढ़ा दिया? एप्लीकेबल है, अरे वाह यार क्या बात है, इट इज एप्लीकेबल अपॉन एन नंबर ऑफ पैरल कनेक्टेड ब्रांचेस, एन नंबर ऑफ पैरल ब्रांच आप लगा दो, बट वो एन डेफिनेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इनडेफिनेट नहीं, दैट एन हैज टू बी डेफिनेट। अगर डेफिनेट वैल्यू का कितनी भी ब्रांचेस का पैरल कनेक्शन आप ले लो, क्योंकि आपको आपके पास जो सिद्धांत है, जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वो ये वाला है ना कि ये तो उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है। आपको ये बोला कि अगर आप टोटल करंट निकाल सकते हैं, हाँ, आप क्या इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, हाँ, दस ब्रांच है तो इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना, आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जिस ब्रांच की करंट फाइंड कर रहे हो उसी ब्रांच के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो आपको अगर आप आई टू निकाल रहे हो तो आर टू से डिवाइड कर दो, अगर आप आई थ्री निकाल रहे हो तो डिवाइडेड बाय आर थ्री कर दो, अगर आप आई वन फाइंड कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय आर वन कर दो, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर वन मल्टीप्लाइड विद टोटल, आना ही आना, कहीं बच के नहीं जाएगा करंट, ठीक है। उस ब्रांच की करंट तुरंत फाइंड कर सकते हो आप। एग्जाम्पल जाने से पहले, कोई भी चीज़ नया चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसका एग्जाम्पल जरूर से बनाया जाता है। देखिए जैसे अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई आपको बोले कि सी डी आर लगाओ, ठीक है, बस
2 मिनट और ले लेता हूँ मैं आप लोग से, ठीक है? फटाफट से 2 मिनट में वाइंड अप कर लेता हूँ, आप नेक्स्ट क्लास तुरंत अटेंड कर लीजिएगा फिर। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर कोई CDR लगाने को बोल दिया, 2 एम्पियर की करंट जा रही है, चलो इसको बढ़ा के मैं 20 एम्पियर कर देता हूँ, ठीक है? तो वैल्यू बढ़ा देते हैं, 20 एम्पियर की करंट है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है। जरा मुझे बताइएगा यहाँ से कितनी करंट जा रही है, वैल्यू ऑफ आई डैश, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइएगा CDR लगा के। अगर CDR आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप? यू विल से आई टोटल, या इसका कुछ भी नाम ले लो, I4 लिख लो आप, I4 यहाँ का इसका नाम लिख लेते हैं, I4 या आई डैश इज इक्वल टू आई टोटल, यानी कि 20 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 × 2 / 4 + 2, 4 × 2 = 8, 4 + 2 = 6 इंटू 1 / जिस ब्रांच की आप फाइंड कर रहे हो करंट 4, ठीक है? 20/3 एम्पियर याद है क्या सभी का आंसर? 6.67। तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस, जितने भी ब्रांच हो यहां, इसके जगह और 10 ब्रांच लगी होती डेफिनेट होती तो डेफिनेटली उसके लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे आगे चल के कि रेशियो कैसे लगा के हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, बट मेजर मेथड तो ये होता है, फिर बाद में रेशियोज वगैरह समझेंगे जब करंट रेजिस्टेंस का रिलेशन आपस में कंपेयर करेंगे तब। तो ये था आज के लिए CDR, कल की क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे VDR, और VDR के साथ साथ KVL KCL शुरू हो जाएगा आप लोग को अगली क्लास से। फिर से बता दूं, सौरभ रिपीट कर दूं एक बार दोबारा से, चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे मान लो आई डैश फाइंड करना है, तो आई डैश विल बी गिवन एज टोटल करंट, आई टोटल फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं, इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर डैश। ये आर डैश क्या है? ये उस ब्रांच का रेजिस्टेंस है जिस ब्रांच की करंट फाइंड कर रहे हो, ठीक है? एक ये तरीका है, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस जिसकी मैं करंट फाइंड कर, अगर ये ब्रांच होता तो 2 लिखता, ये वाली ब्रांच है तो 4 लिखूंगा। अब मैं कैसे लिखूंगा इसका इक्वेशन? अब मैं लिखूंगा आई डैश इज इक्वल टू आई टोटल यानी 20, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज 2 × 4 / 2 + 4, पैरेलल ऐसे निकालते हैं ना, देखिए इसको भी थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है? ये 2 है, ये 4 है, तो इसका आर इक्विवेलेंट आप कैसे बताएंगे? आप लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 × R2 / R1 + R2। ये सर कैसे आपने बनाया? ये 1 / R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 / R1 + 1 / R2 का सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, उसका लाइट वर्जन है, जैसे फेसबुक आप चलाते हो फुल वर्जन और एक लाइट वर्जन होता है, तो वैसे ये लाइट वर्जन है, इसी को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है? इससे आसानी से आंसर आ जाएगा आपका, तो इसको आप यूज करिए। आर इक्विवेलेंट की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई आर डैश, तो इंटू 1/4 लिख दिया, क्योंकि आर डैश अपना 4 है इस केस में, इसलिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आई डैश आ जाएगा 20/3, ठीक है? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द आंसर। तो CDR बहुत ज्यादा यूज होता है, VDR थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, CDR ज्यादा इस्तेमाल होता है सर्किट में, तो आगे चल के इसको कैसे यूज करना है अभी सीखेंगे, बट आज का क्लास अब मैं यहीं पर एंड अप कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी अगली क्लास जो है वो ऑनगोइंग है, तो आप मस्त से अटेंड कीजिए, कंप्यूटर की क्लास है ना, सी की क्लास आप लोग की ऑनगोइंग है, मस्त से पढ़िए, मिलते हैं आप सभी सब कल के सेशन में। अब नेटवर्क के अंदर गृह प्रवेश हो चुका है तो बेस्ट वे में उसको कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, और इसको रिविजन करते रहिए, बस जितना आप नोट करते जा रहे हैं बस उसको डेली के डेली रिवाइज करते जाएगा। मिलते हैं आप सभी से कल के सेशन में, टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड फुल एनर्जी लेवल के साथ पढ़ाई करिए, मिलते हैं, थैंक यू।